हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। बेबीज और टॉडलर्स की अपब्रिंगिंग से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हाइजीन, जो उनकी अच्छी हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग के लिए जरूरी है। जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो इसमें ना केवल बच्चे का पर्सनल हाइजीन आता है, बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट और उससे जुड़ी चीजों की साफ सफाई भी इंक्लूड होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे हाइजीन से जुड़े 10 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको बहुत काम आएंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के एक खूबसूरत सफर में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं या एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। टिप नंबर 1, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो हमारा टिप नंबर 1 है हैंड वॉशिंग के बारे में। बच्चे को खाना खिलाने या डायपर चेंज करने से पहले हमेशा अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा बाहर से आने के बाद भी पहले अपने हाथ धोएं और तब बच्चों को छूना चाहिए। टिप नंबर 2, प्रॉपर डायपरिंग। बच्चे के डायपर को बीच बीच में चेक करते रहें और टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहें, जिससे डायपर रैश और इरिटेशन से बचाव होता है। डायपर चेंज करते हुए हमेशा डायपर एरिया को गुनगुने पानी और साबुन से क्लीन करें। बेबी के डायपर एरिया को क्लीन करने के लिए माइल्ड अल्कोहल फ्री बेबी वाइप्स भी एक इजी ऑप्शन है। आप माइलो के 98% वाटर बेस्ड मल्टीपर्पज बेबी वाइप्स भी ट्राई कर सकती हैं, जो एलोवेरा, विटामिन ई, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल और नीम के गुणों से युक्त है और बच्चे की सेंसिटिव स्किन को बेहद जेंटली और इफेक्टिवली साफ कर देता है। बैक्टीरियल ग्रोथ को स्प्रेड होने से बचाने के लिए वाइप्स को हमेशा फ्रंट टू बैक की तरफ यूज करें। टिप नंबर 3, ट्रिम नेल्स। बच्चे के नेल्स को टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहें, क्योंकि इनके अंदर गंदगी जाना एक बहुत ही कॉमन बात है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही बड़े हुए नेल से बच्चे खुद को भी स्क्रैच लगा सकते हैं। ट्रिमिंग के लिए बेबी नेल क्लिपर्स का यूज करें। टिप नंबर 4, क्लीनिंग द फीडिंग इक्विपमेंट। बच्चे की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप उसकी फीडिंग बॉटल्स और पेसिफायर को डेली एक या दो बार स्टेरिलाइज करें, जिससे उनमें हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए। टिप नंबर 5, ब्रेस्ट फीडिंग हाइजीन। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो बच्चे की सेफ्टी के लिए आपको प्रॉपर ब्रेस्ट हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हर बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से पहले और उसके बाद में ब्रेस्ट को क्लीन जरूर करें और अपनी नर्सिंग ब्रास को भी साफ रखें। टिप नंबर 6, ओरल केयर। छोटे बच्चों का ओरल हाइजीन उनके दांत निकलने से पहले से ही मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए टीथिंग स्टार्ट होने से पहले ही बच्चे के गम्स को हर बार फीडिंग के बाद एक सॉफ्ट और वेट क्लोथ से जेंटली साफ करें। दांत निकलना शुरू होने के बाद एक सॉफ्ट बेबी टूथब्रश और बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट की मदद से उन्हें साफ कर दें। टिप नंबर 7, टॉय क्लीनिंग। छोटे बच्चे और यहाँ तक कि टॉडलर्स भी अक्सर अपने खिलौनों को मुंह में जरूर डालते हैं, इसलिए इन टॉयज को भी रेगुलर बेसिस पर क्लीन और सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे के मुंह में जर्म्स ना जाएं। इनमें से कुछ को आप वॉशिंग मशीन में या डिश वॉशर में भी धो सकते हैं, जबकि कुछ को आपको बेबी सेफ डिसइंफेक्टेंट पाइप से साफ कर देना चाहिए। टिप नंबर 8, बेदिंग। बच्चे का डेली हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसे ल्यूक वार्म वाटर और एक माइल्ड फ्रेग्रेंस फ्री बेबी सोप से रेगुलरली नहलाएं। आप बच्चों को समर सीजन में डेली और विंटर्स में अल्टरनेट डेज में नहला सकती हैं। टिप नंबर 9, रेगुलर लॉन्ड्री। बच्चे के एनवायरनमेंट को जर्म फ्री रखना भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए बच्चे के कपड़े, बेडिंग और सॉफ्ट टॉयज को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। इनकी क्लीनिंग के लिए एक माइल्ड हाइपो एलर्जिक डिटर्जेंट का यूज करना बेस्ट रहता है। टिप नंबर 10, चोकिंग हजार्ड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे की रीत से वो सभी चीजें हटा दे जो उसके गले में फंस सकती हैं। इनमें प्लास्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि टॉयज से लेकर ड्राई फ्रूट्स या फिर अंगूर जैसे फ्रूट्स भी शामिल हो सकते हैं, जो चोकिंग रीजंस बन सकते हैं और हजार्ड पैदा कर सकते हैं। फ्रूट्स को हमेशा मैश करके छोटे टुकड़ों में काट कर ही खिलाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। साथ ही माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।